नमस्ते, मैं सुमलता दीक्षित और अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। और अब एक ही तरह की लस्सी पी के आप बोर हो गए हैं, तो आज मैं आपके साथ डिफरेंट लस्सी की रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए 1 कप पुदीने के पत्ते हैं, 2 खीरे हैं इनको छील लिया है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्चें ली हैं। अब खीरे को काट लेंगे, हरी मिर्च को भी काट लेंगे, अदरक को भी छोटे पीसेस में काट लेंगे। मिक्सी के जार में खीरा डाल देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हरी मिर्च और अदरक भी डाल देंगे। और अब मैं इसमें 1/2 कप दही डाल दूंगी और इसमें 1/2 कप पानी भी डाल देंगे। काला नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको ग्राइंड कर लिया है और दही डाल देंगे। इसमें मैंने 2.5 कप दही और 1/2 कप पानी डाला है। पेस्ट जो इसकी बनानी है वो बिल्कुल थोड़ा सा दही और पानी डाल सकते हैं, उसमें फाइन पेस्ट होनी चाहिए इसकी। इसको फिर एक बार और ग्राइंड करेंगे। लस्सी बनकर तैयार है। क्रश किया हुआ भुना हुआ जीरा डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब लस्सी को ग्लास में सर्व कर देंगे और अब इसमें आइस क्यूब डाल देंगे, भुना हुआ जीरा स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से, पुदीने के पत्ते से इसको गार्निश कर देंगे। हेल्दी टेस्टी खीरा लस्सी बनकर तैयार है। चलिए मिलते हैं अब एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। बाय।